हेलो एवरीवन मेरा नाम ज्योति सिंह है और मैं आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो सी ई टी है सी ई टी में केमिस्ट्री से 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 200 में से जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो टोटल 50 परसेंट उसका वेटेज है मतलब कि जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो हमारा हंड्रेड टू हंड्रेड टेन मार्क्स जो होगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछेगा मतलब कि अगर आपको अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में भी हमको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री होता है इनऑर्गेनिक होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है तो अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है क्लियर है मतलब क्या आप फिफ्टी परसेंट आपका बिल्कुल तैयार हो गया है और जो हम सबके मन में हवा बना रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ होता है मैकेनिज्म समझ में नहीं आता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं ऐसा कुछ नहीं है केमिस्ट्री बहुत ही आसान है और यहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छे वे में पढ़ेंगे ताकि हर तरह के क्या हो जाए जो भी डाउट है हमारे क्लियर हो जाए तो हम चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ये बताना चाहूंगी कि क्या क्या है हमारे पोर्सन में जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने कितने चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं तो पहला चैप्टर हमारा हेलो एंड हेलो एलेंस है दूसरा चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर तीसरा जो चैप्टर है वो है एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड फोर चैप्टर है एमेंस और जो हमारा पांचवा चैप्टर है वो है मॉलिक्यूल तो ये हमारे टोटल पांच चैप्टर हैं बस इन पांच चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें एक थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए जीओसी के बारे में देखो ये तो पता है ना कि जिन बच्चों की जीओसी अच्छी होती है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी टफ नहीं होता है एक्चुअली मैक्सिमम बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जी ही कवर नहीं होती है मतलब वो उनको जो है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं अगर मान लो कि हेलो एल्के हम पढ़ना तो चाह रहे हैं अगर मेरा जी क्लियर नहीं है तो हमें कुछ समझ में नहीं आया तो इसीलिए हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि जी क्या है अगर हमारा जी क्लियर है तो हम क्या करेंगे ये चारे चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान है जी बहुत ही लंदी टॉपिक होता है मतलब कि हम ये चाहेंगे कि एक एक लेक्चर में दो लेक्चर में कवर कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इसलिए हम थोड़ा बहुत मतलब जितना हमें नीड है जैसे कि जो जो रिक्वायरमेंट है हमारे लेक्चर के लिए उतना क्या करेंगे हम यहाँ पे कवर अप करेंगे ओके तो जियो से हम पहले पढ़ेंगे उसके बाद आप इतना याद रखिएगा बिल्कुल आप बेटे याद रखिएगा केमिस्ट्री का मतलब कि अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जहाँ से सिक्सटी टू सिक्सटी क्वेश्चन फिजिकल से आते हैं क्वेश्चन के नंबर मतलब सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो फिजिकल से आएंगे ऐसे ही आपके इनऑर्गेनिक से आएंगे बट सबसे अधिक जो वेटेज कैरी करता है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और ये बहुत ही आतान टॉपिक है बहुत ही आतान टॉपिक है और सब सबसे सब बड़ी बात बेटा एक चीज ध्यान रखना कि हमें बहुत सारी बुक को प्रेफर नहीं करना है हम सबको बहुत सारी बुक को प्रेफर नहीं करना है पह सबसे पहले हम एन को कवर करें फर्स्टली हम एनसीआर को कवर करेंगे उसके बाद हम एंथीआर्टिक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर आप उसके अलावा आप एंथियार्टिक फिंगर टिप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इतना कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आपको अपना मनचाहा कॉलेज लेने के लिए केमिस्ट्री अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मुझसे आप एक्जैक्टली exactly आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अगर 100 मार्क्स के क्वेश्चन है तो श्योर रहिए कि आप नाइ नाइन्टी टू नाइन्टी मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे अगर आप हमारे कही हुई बात मानते हैं और मेरे बातों को आप फॉलो अप करते हैं मतलब आप लेक्चर ध्यान से सुनिए नोट्स प्रॉपर बनाइए एनसीआरटी से क्या करिए उसको थॉरली रीज रीड करना है आपको जैसे आपको एनसीआर है लाइन बाई लाइन रीड करनी है उसके अलावा आप जब आप जब हम एनसीआर करते हैं तो बीच बीच में क्वेश्चन भी देता है जैसे कि एक टॉपिक होता है फिर उसके क्वेश्चन देता है तो वो सब हम सॉल्व करेंगे आप भी करेंगे और जहाँ डाउट आएगा वहां पे आप हमसे पूछेंगे मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगी तो सबसे पहले जो हमारा है तो ये ये हो गया आपको मतलब किस तरीके से पढ़ना है एकदम दिमाग में रखी रहिएगा कि आपको जो है एनसीआरटी के यहाँ नोट्स कराऊंगी आपको एनसीआरटी पढ़ना, है।, पढ़ना है, के करने है।, ओके, ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं पढ़ाने का तरीका क्या होगा एक बार वो आपको शेयर कर देना चाहती हूँ आप सबसे देखिए पहले मैं एक टॉपिक कवर करूंगी और हर एक टॉपिक से आपको एक दो क्वेश्चन कर ठीक है ताकि जैसे क्या होता है कि हमें एक कॉन्सेप्ट तो पता होता है हमें यह नहीं पता होता है कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कहाँ पे करना है जैसे कि कोई फिजिक्स है फिजिक्स में कोई फार्मूला है और फार्मूले को हम फार्मूला तो पढ़ लेते हैं बट तो हमें पता नहीं होता है उसे अप्लाई कहाँ करना है ठीक है ऐसी केमिस्ट्री भी है अगर आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो उसे कैसे अप्लाई करना है उसको पता उसे हम देखेंगे जैसे कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसको क्या करेंगे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के बेस पे फिर जब एक पूरा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम पचास से साठ क्वेश्चन क्या क्या करेंगे एक हम लोग पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेक्चर के तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जीओसी थोड़ा बहुत क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है ये पांच चैप्टर तो बहुत आसान हो जाएंगे अगर आपको जी आती है तो हेलोवल्केरस एल्कोहल फिनॉलोलीट कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ए मीन्स जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड एंड लास्ट वन इच बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही आसान चैप्टर है बिल्कुल डरना नहीं है बहुत ही अच्छा कर ले जाओगे तुम लोग आप लोग मेरे साथ बने रहो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जीओसी पे इंडक्टिव इफेक्ट ये लास्ट का टॉपिक है ये पहले हो गया सॉरी देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी होती है इसमें मोस्टली मतलब कि मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब विदाउट कार्बन तो आप इसका इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे आपको पता है कि कार्बन जो है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और इसका जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है फोर्टीन फोर्टीन ग्रुप ठीक है तो जो हमारा कार्बन होता है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और फोर्टीन ग्रुप होता है अब हम देखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स होता है ये सब तो आता है ना हम सब ने इलेवंथ में पढ़े रखा है पीरियोडिक टेबल सबको ये पता होना चाहिए जैसे कि हम सब ने पीरियडिक टेबल पढ़ा हुआ है तो वो हम सबको यहाँ से आप, आप सबको पता होगा एटॉमिक नंबर इसका सिक्स होगा नहीं पता है तो आज जान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर सिक्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन वन एच टू टू एच टू एंड टू पी टू होता है या फिर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं टू एंड फोर अच्छा तो इसके आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है फोर इसीलिए कार्बन को टेट्रा वैलेंसी कहते हैं मतलब कार्बन कि, कार्बन कितना कितने वैलेंसी शो कर सकता है चार वैलेंसी मतलब वो मैक्सिमम फोर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है मतलब कि वो टेट्रा वैलेंस है अभी तक बात आपने इतना जाना है तो कार्बन है वो सेकेंड पीरियड का है फोर्टीन ग्रुप का एलिमेंट है कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स है 1H2, 2H2, 2P2. मतलब कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी इसकी आउटर मोशन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फोर हैं अब बताइए यहाँ पे कार्बन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है इतना अधिक हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं और इतने अधिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है पहला है कि वो टेट्रावैलेंसी शो करता है टेट्रावैलेंस टेट्रा बैलेंस शो करता है टेट्रा बैलेंसी दूसरा जो है इसका मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो होता है कैटेनेशन मतलब कार्बन जो होता है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है ये कार्बन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक है हमारा टेट्रा बैलेंसी और दूसरा है कैटेनेशन, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम एक बात बताइए अभी आपने देखा कि कार्बन जो है कार्बन का जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे फोर थे मतलब कि वो मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकता है मतलब कि ये जो हमारा कार्बन है ठीक है हो गया Okay, अब यहाँ पे देखेंगे हम जो सबसे पहला जो उसका प्रॉपर्टी है वो है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी। जो हमारा हमारा जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट में फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब कि जो हमारा कार्बन होता है वो मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो चार बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी चार हो गई अब इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है कैटेनेशन दूसरी जो प्रॉपर्टी प्रापर, होती है वो होती है कैटेनेशन कैटेनेशन क्या होता है आप लोग इसके पहले पढ़े होंगे जब हम लोग पीरियडी टेबल पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़े हैं बट यहाँ पे एक बार दोबारा देखते हैं कि इज द कैटेनेशन कैटेनेशन जो होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है मतलब जब कोई भी एटम खुद के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम कहते हैं कैटेनेशन सेल्फ लिंकिंग मतलब जैसे कि जो कार्बन होता है वो खुद के साथ क्या करता है मिल करके एक मतलब बहुत सारे क्या करता है लंबे से लंबे चेन का फॉर्मेशन कर लेता है ब्रांच का फॉर्मेशन कर लेता है और साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जैसे कि जब हमारा आपने देखे होंगे एक कार्बन है कार्बन क्या होता है इथेन मिथेन एक कार्बन है तो मिथेन दो कार्बन है तो इथेन तीन है तो प्रोपेन चार है तो ब्यूटेन मतलब कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं बढ़ते जाते हैं उसके नॉमल क्लेचर चेंज होते रहते हैं और वो लंबा सा लंबा क्या कर सकता है वो कार्बन मतलब वो कार्बन जो होता है अपना ब्रांच का फॉर्मेशन कर सकता है इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि वो एक तो स्ट्रेट चेन बना सकता है दूसरा वो ब्रांच बना सकता है और तीसरा वो साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है जैसे कि देखिए कैटेसन क्या होती है कैटनेशन जो होता है वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन जो होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब कि खुद के साथ क्या कर सकता है ये लिंक करके अलग अलग तरह के क्या कर सकते हैं बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है जैसे कि अच्छा हम ह्यूमन बींग भी तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से करते हैं <laughs> देखिए अभी आगे आगे देखिए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है देखिए जैसे कि हमारा कार्बन है एक अब ये आपस में ही जुड़ के क्या करता है क्या कर रहा है ये लंबा सा लंबा कार्बन का फॉर्मेशन कर रहा है ये स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर रहा है एस टी आर ए -E आई जी स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर रहा है दूसरा है ये ब्रांच का भी फॉर्मेशन कर सकता है एक दो तीन चार देखिए क्या हुआ ये कार्बन क्या हुआ स्टेट चेन का फॉर्मेशन कर सकता है ब्रांच का फॉर्मेशन कर सकता है और साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है साइक्लिक कंपाउंड जैसे बेंजीन का फॉर्मेशन कर है तो यहाँ देखिए तीसरा क्या बना दिया ये साइक्लिक फॉर्म में वो बेंजीन का फॉर्मेशन कर दिया तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है जो खुद के साथ क्या करता है लिंक करता है और क्या करता है कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन किया है मतलब कि एक एक कार्बन क्या हुआ आपस में ऐड हुए हैं और स्ट्रेट चेन बनाया है दूसरा क्या हुआ हमारा ब्रांच चेन बना हुआ है ब्रांच चेन बन बना सकता है तीसरा ये क्या बना सकता है साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है है ना यूनिक है ना यूनिक एक सीधा बना रहा है खुद ब्रांच भी बना रहा है और इसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड भी बना रहा है अब अभी आप देखिए ये एक साथ तीनों भी बना सकते हैं जैसे कि एक दो तीन चार पांच है यहां पे ये कंपाउंड मतलब देख लो आप स्ट्रेट चेन भी है इसमें ये खुद का सिर्फ ये मतलब एलिफैटिक का क्या किया ये खुद का ये, अपना ये स्टेट मतलब तो ब्रांचिंग भी कर लिया है और यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड को भी यहाँ पे ब्रांचिंग में अरेंज कर दिया है मतलब कि हमारा जो कार्बन होता है ऑफ कोर्स उसका बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है उसकी जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है इसी वजह से क्या होती है जो इसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी खुद के साथ लिंक होना और बॉन्ड का फॉर्मेशन करना और बहुत सारे एटम का बना देना इस वजह से कम से कम मुझे लगता है कि हम एक मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर पाते हैं तो ये इसकी प्रॉपर्टी बेटर है अब तक आपने सिर्फ दो चीज़ पढ़ा है एट्रा बैलेंस वो करता है और की प्रॉपर्टी आपने देखी है कि वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है स्टेट चेन बनाता है फिर ब्रांच चेन बनाता, बनाता है और साइक्लिक कंपाउंड बनाता है चलिए आगे देखते हैं डिग्री ऑफ़ कार्बन ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है हम सब पढ़े हैं इसके बारे में डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में हम सब पढ़े हैं कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं अगर आपने अगर आप ट्वेल्थ क्लास में हैं और आप सी यू टी की तैयारी कर रहे हैं आप इलेवंथ में पढ़े होंगे जी ओ सी में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पे सीख लीजिए आइए डिग्री ऑफ कार्बन क्या होती है हमने पढ़ा है कि कार्बन की वैलेंसी चार होती है मतलब कार्बन जो होता है टेट्रा वैलेंसी शो करता है कार्बन चार बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ठीक है ये है कार्बन इसके पास फोर वैलेंस है ठीक है फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अब वो अपनी वैलेंसी किससे कंप्लीट करती है कार्बन अपनी वैलेंसी है अब वो अपना मतलब तो वो साथ को साथ कंपाउंड बना करके अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करती है ये देखते हैं तो मोस्टली जो कार्बन होता है वो कार्बन के साथ या तो हाइड्रोजन के साथ बनाता तो अदर के साथ भी है जैसे कार्बन जो है अपनी वैलेंसी कार्बन के साथ पूरा कर सकता है या तो ये सब कार्बन कर दो ठीक है या तो आप कार्बन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन मतलब कार्बन अपने वैलेंस को हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर सकता है या तो वो कार्बन के साथ कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करके कंप्लीट कर सकता है इन दोनों के अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कार्बन अपने ऑक्टेट मतलब कि अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर सकती है ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना के कर सकता है नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन एंड आयोडीन मतलब कि जितने भी हमारे हाइलोजन कंपाउंड होते हैं इनके साथ भी अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है बट जब वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और, और फ्लोरीन के साथ करता है मतलब जब हाइलोजन ग्रुप के साथ करता है तो हमारे फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं ठीक है जैसे अगर मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ करता है और ऑक्सीजन के साथ अगर करता है सिर्फ ऑक्सीजन के साथ मतलब डबल बॉन्ड उसको लगाना पड़ेगा तब वो कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है अगर कार्बन ओ और एच के साथ हुआ है तो एल्कोहल हो जाएगा ऐसे अगर कार्बन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन किसी एक भी एक के साथ अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करता है तो वो हेलो एल्किन कहलाता है अगर वो एलिफैटिक है और अगर वो एरोमेटिक है और उसके अलावा आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाता है तो वो हमारा हेलो एलेंस कहलाता है ये हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में अच्छे से अब देखिए मोस्टली मोस्टली जो कार्बन होता है वो अपनी वैलेंसी को या तो कार्बन के साथ और या तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्टेट अपना कंप्लीट करता है वैलेंसी अपनी कंप्लीट करती है लेकिन मैक्सिमम चार चार बॉन्ड बना सकता है अब यहाँ देखिए ये जो कार्बन है बेटा एक दो तीन चार अब यहाँ पे कार्बन ने अपनी चारों वैलेंसी कार्बन के साथ कंप्लीट की है यहाँ पे कार्बन ने अपनी चार वैलेंसी में से दो वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है और जो कंप्लीट किया है दो वैलेंसी जो है कार्बन के साथ शेयर किया है मतलब कि मान लो कार्बन के चार हाथ पैर रहे हैं मतलब कि एक दो तीन और चार उसमें से क्या किया है वो दो कार्बन के साथ बनाया है और दो हाइड्रोजन के साथ बनाया है बेटा डिग्री आप जो कार्बन होती है जो डिग्री ऑफ कार्बन होता है जैसे मान लीजिए आप इसी की बात कर करिए डिग्री ऑफ कार्बन जब अपनी वैलेंसी कार्बन के साथ अपना क्या करता है कोवेलेंट बॉन्ड बना बना करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है या अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करती है तो वो जितने कार्बन के साथ अटैच होता है वही उसकी डिग्री ऑफ कार्बन होती है मतलब जब कार्बन एटम कार्बन एटम अपने वैलेंस एटम मतलब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साथ शेयर करता है कार्बन के साथ क्या करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है तब उसकी डिग्री ऑफ कार्बन चेक करते हैं मतलब कि हाइड्रोजन वाली नहीं चेक करेंगे हेलो बच्चों हाँ हम पढ़ रहे थे डिग्री ऑफ कार्बन ठीक है डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है कि नंबर ऑफ द कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन मतलब कि नंबर ऑफ द कार्बन एटम कार्बन के पास चार वैलेंसी होती है और कार्बन चार अपना क्या कर सकता है वैलेंसी कंप्लीट कर सकता है तो वो कार्बन कह रहा है नंबर ऑफ द कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन मतलब कि कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे वही उसका क्या होगा डिग्री ऑफ कार्बन होगा इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं अच्छे तरीके से देखिए ये क्या आगे पढ़ेंगे अब यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ कार्बन ही देखिएगा डिग्री ऑफ कार्बन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इसको आप देख लीजिए लिखिएगा यहां पे द

कार्बन कह रहा है कि वो कार्बन जो डायरेक्टली कार्बन से अटैच होगा वही क्या होगी उसकी डिग्री ऑफ कार्बन हो जाएगी जैसे आप ये देखिए ये कार्बन है एक ये कार्बन है मतलब कि ये कार्बन है इसकी चार वैलेंसी है और ये क्या कर रहा है देखिए ये कार्बन है एक दो तीन चार चार वैलेंसी शो कर रहा है ठीक है अगर अपना ये कार्बन ये अपना अपना ऑक्टेट इस कार्बन के साथ क्या कर रहा है तो कोवेलेंट कंपाउंड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है ये कार्बन दूसरा ये इधर एक कार्बन अब ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन मतलब कि कार्बन की चार वैलेंसी थी उसने दो जो है ऊपर और नीचे वाला उसने क्या किया हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया और जो दो है उसने अपना क्या किया कार्बन के साथ एक कार्बन ये एक कार्बन कि एक जो बीच वाला कार्बन था इसकी हमको डिग्री ऑफ कार्बन बतानी है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये जो है हमारा कार्बन इसकी डिग्री ऑफ कार्बन बताइए तो आपको देखना होगा कि ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है वही इसकी डिग्री ऑफ कार्बन है सिंपल सी बात है आप बताइए ये हमारा कार्बन है डायरेक्टली क्या है एक और दो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है मतलब कि अब हमसे पूछता है कि बताइए ये जो स्टार लगा हुआ कार्बन है इसकी डिग्री ऑफ कार्बन क्या हो जाएगी तो दो हो जाएगी कितनी जाएगी दो? दो क्यों दो क्योंकि डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है ये दो से जुड़ा हुआ है जैसे आप यहां देखिए बताइए इसकी डिग्री आप कार्बन क्या होगी आप पहले ये देखिए कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है तो आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली तो डायरेक्टली क्या है सिर्फ एक कार्बन से अटैच है बाकी हाइड्रोजन से अटैच है हाइड्रोजन वाले की डिग्री नहीं चेक करते हैं अगर कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है तो अभी हम क्या हम किसकी बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम हाइड्रोजन को चेक नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन को बिल्कुल यहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं करिएगा कि मैम हाइड्रोजन से भी तो अटैच है नहीं नहीं हमें बस ये देखना है कि जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है डायरेक्टली तो ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री ऑफ कार्बन वन हो जाएगी ठीक है अब आगे देखिएगा

तीन कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री ऑफ कार्बन कितनी हो जाएगी थ्री डिग्री का ये कार्बन हो जाएगा कौन ये सेंटर वाला जहां मैंने स्टार लगाया अब मैं इसमें अगर पूछूं कि बताइए ये जो हमारा कार्बन है ये सेंटर वाला कार्बन जो है इस सेंटर वाले कार्बन की डिग्री ऑफ कार्बन कितनी है सेंटर वाला कार्बन की डिग्री ऑफ कार्बन कितनी है अब देखिए पहली बात तो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड चौथा बॉन्ड आपको दिख नहीं रहा है ना तो खुद कॉमन सेंस यूज करिएगा और उसको हाइड्रोजन के साथ क्या करिएगा बैलेंस कर लीजिएगा एग्जाम में ऐसे ही आता है मोस्टली देखिए इसका जो चौथा बॉन्ड है यहाँ पे हाइड्रोजन से इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बाकी सारे कार्बन के भी ऐसे ही हैं थ्री है इधर CH3 है ये जो आपका CH2 हो जाएगा अब बताइए आप यहां देखिए इस कार्बन की मैं पूछती हूँ बताइए कि डिग्री ऑफ कार्बन कितना है तो आप बता ले जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि इसका एक जो बैलेंस इसका एक जो हमारा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ तैयार है बाकी जो तीन बॉन्ड है वो कार्बन के साथ है तो इस कार्बन की जो डिग्री हो जाएगी वो थ्री डिग्री ऑफ द कार्बन हो जाएगा अब एक और क्वेश्चन देखते हैं अगर मैं आपसे इसमें पूछूं बताइए इस, पूछू, इस कार्बन की डिग्री क्या है और फिर मैं पूछूं बताइए इस कार्बन की डिग्री क्या है तो आप कैसे बताएंगे कुछ देखना नहीं।, नहीं है बस देखना है कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या है मतलब कि वो जो कार्बन है जिस कार्बन के बारे में पूछा जा रहा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है बस वही उसकी डिग्री ऑफ कार्बन है देखिए जैसे कि हमसे इस कार्बन के बारे में पूछा है इस कार्बन के बारे में पूछा है तो देख लेते हैं मतलब एक इसका जो कार्बन एक जो इसका बॉन्ड है कार्बन के साथ है कार्बन है क्योंकि सी तो किससे जुड़ा बस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है अब हमसे मान लीजिए पूछता है कि ये वाला ये वाला जो कार्बन है उसका डिग्री ऑफ कार्बन क्या है तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि इसके जो बॉन्ड है चार बॉन्ड मैक्सिमम कार्बन जो होता है चार बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो इसमें कितने बॉन्ड कार्बन के साथ शेयर किया है इस कार्बन ने कितने बॉन्ड जो है कार्बन के साथ बनाया हुआ है तो देखिए एक ऊपर बनाया है और एक नीचे बनाया हुआ है मतलब कि इसका जो है टू डिग्री ऑफ कार्बन हो गया इसका कार्बन की डिग्री क्या हो गई टू डिग्री की हो गई एक और क्वेश्चन देख लीजिए अब बताइए इस कार्बन की डिग्री ऑफ कार्बन क्या होगा आपको सिर्फ इतना देखना है कि इस ये जो कार्बन है वो कितने हाइड्रोजन से कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये जो कार्बन है जहां मैंने स्टार लगाया हुआ है अब बताइए कि इस कार्बन की डिग्री ऑफ कार्बन क्या है सिर्फ इतना ध्यान देना है कि वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन को नहीं कैलकुलेट करना है सिर्फ ये देखना है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ देखिए ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा इसका दो हो जाएगा टू डिग्री ऑफ़ कार्बन यहाँ तक कि सीवीटी तो छोड़िए आप ये डिग्री ऑफ कार्बन से नीट में क्वेश्चन तो आ जाते हैं नीट में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताओ ये जो कार्बन है उसकी डिग्री ऑफ कार्बन बताओ तो नीट में भी आते हैं सीवीटी में तो पूछेगा ही फिर एक आध क्वेश्चन तो दे देगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं अच्छा इसके अलावा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी पूछ लेता है अभी फिलहाल याद रखिएगा अभी अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा ये देख लीजिए ना पढ़ा है कि कार्बन केमिस्ट्री क्या है कार्बन केमिस्ट्री क्या है कार्बन क्या हम लोगों ने पढ़ा कि उसका पीरियोडिक टेबल में प्लेस कहाँ पे है तो वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और फोर्टीन ग्रुप का एलिमेंट इसके अलावा आपने पढ़ा है कि जो हमारी कार्बन है जो तो कार्बन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम विदाउट कार्बन तो इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते क्योंकि तो कार्बन की राजा है आप कह सकते हैं कि बाश्सा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो राजा है बासा है वो कार्बन ही है सबसे पहले हम कार्बन को पूरी इज्जत फुल इज्जत के साथ बात करेंगे कार्बन तो जो कार्बन है हमारा चार बॉन्ड बनाता है चार बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है इसलिए वो टेट्रा बैलेंस ही है इसके अलावा वो कैटे की प्रॉपर्टी शो करता है की प्रॉपर्टी शो करता है मतलब कि वो सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद के साथ बॉन्ड बनाता है स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करता है ब्रांच का फॉर्मेशन करता है और साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है हम लोगों ने पढ़ा इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है हम सबको पता है कि जो कार्बन होता है वो चार बाउंड का फॉर्मेशन करता है कार्बन अपना ऑक्टेट मतलब अपनी बैलेंसी को कंप्लीट कर सकता है कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जब हम डिग्री ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो सिर्फ देखते हैं कि कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है जितने कार्बन से अटैच होगा वो उसकी डिग्री ऑफ कार्बन है मैक्सिमम वो चार कार्बन से अटैच हो सकता है मतलब कि उसकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ कार्बन चार हो सकती है अगर डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो वन डिग्री कार्बन अगर कार्बन डायरेक्टली दो डिग्री दो कार्बन से अटैच है तो टू डिग्री कार्बन और अगर तीन कार्बन से अटैच है तो थ्री डिग्री कार्बन और अगर कार्बन अपनी चारों वैलेंसी कार्बन के साथ सो करता है तो जो सेंटर वाला कार्बन होगा उसकी वैलेंसी फोर डिग्री ऑफ कार्बन होगी अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में हम बात करते हैं आइए यहां हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताइएगा जब हमारा कार्बन कार्बन जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है जब क्या करता है सिंगल बॉन्ड बनाता है मतलब कि वो क्या कर रहा है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है देखिए यहाँ पे सिग्मा पाई बॉन्ड होता क्या है जब हमारा क्या होता है सिर्फ सिंगल सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पे उसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है मतलब कहीं पे भी सिर्फ सिंगल 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 बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब कि क्या है वहां पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है अगर कहीं पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कहीं पाई बॉन्ड है तो इसमें क्या हो जाएगा मतलब सॉरी डबल बॉन्ड बेटा सॉरी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा और अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या होता है एक जो होता है सिग्मा होता है और दूसरा जो होता है पाई बॉन्ड होता है ठीक है इसके अलावा अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो जो ऊपर वाला होता है और जो नीचे वाला है ये जो दोनों होते हैं हमारे पाई बॉन्ड होते हैं और ये जो बीच वाला होता है वो क्या होता है सिग्मा बॉन्ड होता है क्या होता है सिग्मा बॉन्ड ठीक है सिग्मा मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई और एक सिग्मा ऊपर और नीचे वाला क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर और नीचे वाला क्या होगा हमारा पाई बॉन्ड होगा हाँ तो हम बात कर रहे थे कि अगर सिग्मा अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिग्मा बॉन्ड होता है और अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या होता है एक सिग्मा होता है और एक पाई पाई बॉन्ड होता है और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होता है हमारा जो ऊपर वाला बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड में और जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है हमारा पाई होता है और जो बीच वाला होता है वो सिग्मा होता है जैसे कि ये देखिए ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो ये वाला और ये वाला मतलब ऊपर और नीचे वाला क्या है हमारा पाई बॉन्ड है और जो बीच वाला है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड है अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ जैसे ये हमारा कार्बन है हमारा कार्बन क्या है ये सिर्फ अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन मतलब ये जो कार्बन है हमारा क्या कर रहा है ये सिर्फ सिंग सिर्फ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं मतलब कि इस कार्बन के पास क्या है चार सिग्मा बॉन्ड है टोटल चार सिग्मा बॉन्ड है अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखिए कार्बन बना सकता है मतलब कि ये जो चौथा पे हो गया तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए अब इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने सिग्मा बॉन्ड है तो ये जो कार्बन है इसके पास टोटल हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं तो देखिए ये कार्बन है इसके पास एक सिंगल बॉन्ड दूसरा सिंगल बॉन्ड और जब पाई बॉन्ड होता है मतलब जब डबल बॉन्ड होता है तो हमने पढ़ा है कि उसमें एक सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है पाई बॉन्ड होता है मतलब कि ये जो हमारा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है उसमें से क्या होगा एक जो होगा हमारा सिग्मा हो जाएगा और जो दूसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा मतलब कि इस कार्बन के पास टोटल वन वन टू और थ्री क्या हो जाएंगे सिग्मा हो जाएंगे टोटल कितने हो जाएंगे थ्री सिग्मा हो जाएंगे और वन पाई हो जाएगा क्या हो जाएगा तीन सिग्मा और वन पाई बॉन्ड हो जाएगा देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कि ये कार्बन है ये कार्बन है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अब मैं पूछूं कि बताइए इसमें टोटल टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताइए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके पूरे बॉन्ड को दिखा लेंगे अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें टोटल सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे जितने हमारे सिंगल बॉन्ड होंगे वो सब क्या होंगे हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह आप एक एक करके भी काउंट करिए सबसे पहले आप इस कार्बन को लीजिए एक दो तीन चार ये हमारे चार सिग्मा हो गए इस कार्बन के फिर इस कार्बन पे आइए एक दो तीन चार 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 आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया वो कितना हो गया चौदह हो गया फोर्टीन सिग्मा हो गया और पाई बॉन्ड कितने हैं जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे पाई बॉन्ड होगा सिर्फ जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा सिर्फ वहीं पे पाई बॉन्ड होगा तो यहाँ पे आप देखिए वन आपका क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड हो जाएगा मतलब कि इस कंपाउंड में फोर्टीन सिग्मा एंड वन क्या है पाई बॉन्ड है फोर्टीन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड है अब यहां पे देखिएगा अगर मैं आपसे यहां पूछती हूं तो बताइएगा कितना होगा ये हमारा हाइड्रोजन हो गया हाइड्रोजन 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 अब इसका देखिए दो और एक तीन मतलब कि इसके एक और हाइड्रोजन की नीड है पहले तो आप कार्बन को बैलेंस करना सीख जाइएगा मतलब कार्बन चार बॉन्ड बनाता है अगर कहीं आपको सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन करके दे दिया है मतलब कि बाकी उसकी बैलेंसी आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ देखिए ये जो कार्बन है सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना होता हमसे अगर कोई पूछता है कि बताओ इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो वो जितने भी सिंगल बॉन्ड बनाता है उसको कैलकुलेट कर लीजिए ये कार्बन देखिए एक सिंगल दो सिंगल तीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मतलब कि वो जितना सिंगल बॉन्ड बनाया है वही सिग्मा बॉन्ड है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड है एट हमारा क्या है सिग्मा है और पाई कितना है एक ही डबल बॉन्ड है तो एक पाई हो जाएगा बस एक पाई ठीक है अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं अब यहां पे हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे जो क्वेश्चन था वो क्या था देखिए जाते क्वेश्चन सीएच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू डबल बॉन्ड सीएस टू सीएच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सीएच टू और डबल बॉन्ड सी एच टू अगर आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं ऐसे कि ये कैसे सो होगा कि आ, कैसे हम कैलकुलेट करें अगर आप डायरेक्टली नहीं बता पा रहे हैं जैसे अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बता ले जाऊंगी कि यहाँ पे यहाँ पे हमको इसके बीच में क्या है कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है मतलब तो कि सिंगल बॉन्ड होगा दो दो चार दो छ और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये सी एस टू होगा अब यहाँ पे सबसे पहले आप इसको ओपन करके लिख लीजिए कार्बन है ओपन करिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड फिर कार्बन फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब इसको ओपन करने का मतलब है आप इसको ब्रांच फॉर्म में पूरा लिख लीजिए इसको स्टेट इस फॉर्म में हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन अब आपको साफ साफ बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कितने यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है सबसे पहले अब यहाँ पे देखेंगे हम जितने सिंगल बॉन्ड होंगे हमारे क्या होंगे सिग्मा बॉन्ड होंगे अब देखिए एक दो सबसे पहले आप इसको ओपन करके लिखिए फिर जितने भी हमारे सिंगल होंगे वही हमारे सिग्मा बांड होंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और यहाँ पे एक, एक ग्यारह मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं इलेवन सिग्मा है पाई कितने हैं एक और दो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहीं पे क्या होता है सिर्फ पाई होता है जब दो मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसमें से एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं दो दो हमारा क्या है पाई बॉन्ड है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी है ये बहुत ही बहुत ही आसान टॉपिक होता है ये तो इसीलिए ये बिल्कुल एकदम ये सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए अगला देख लीजिए एक और क्वेश्चन है ट्रिपल बॉन्ड सी एच टू एंड सी एच थ्री यहाँ लिख लीजिए आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा जितने भी हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वही हमारे सिग्मा बॉन्ड है टोटल कितने थे इलेवन सिग्मा थे और टू हमारा क्या था पाई बॉन्ड था अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं एच सिंगल बॉन्ड थे ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू एंड सी एच थ्री अब इसको सबसे पहले हम अगर ऐसे नहीं बता पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम ओपन करके लिखेंगे एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी इसको ओपन कर लीजिए एक हाइड्रोजन ऊपर दूसरा हाइड्रोजन नीचे कार्बन फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ठीक है अब आप देखिएगा अब यहाँ पे जब आप आराम से बता लेंगे कि कितना क्या है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है कितना यहाँ पे पाई बॉन्ड है जितने भी सिंगल बॉन्ड है आप सबको कैलकुलेट करिए वही सब सिग्मा है देख लीजिए इस कार्बन के पास सबके सब सिग्मा ही है तो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स एक कार्बन मैक्सिमम चार ही तो बना सकता है थ्री फोर फाइव सिक्स ये कैसे हो गया ये जो कार्बन है एक कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकता है ये 3 और 1, 4, ये, अब, अब ये ये तो, ये ये और बना चुका अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया देखिए अब अब तो तो बिल्कुल या, बिल्कुल ही आसान है यहाँ पे तो ज्यादा सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं अब इसको देखिए इस कार्बन में देखिए वन टू थ्री फोर मतलब फोर सिग्मा यहाँ पे हो गया फिर यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जब ट्रिपल बॉन्ड होता है जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड पाई होता है और बीच वाला जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है मतलब कि यहां पे सिर्फ एक सिग्मा है बच्चे यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं उन्हें लगता है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो सिग्मा होगा नहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई है और एक सिग्मा है ठीक है यहां पे एक सिग्मा हो गया और एक यहां पे हो गया तो टोटल कितने सिग्मा हो गए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स टोटल जो सिग्मा हो गया वो सिक्स हो गया कितने पाई हो गए यहां पे देखिए हम लोग को हाँ पता है कि अगर यहाँ देखिए हमें पता है कि अगर यहां पे क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड होंगे दो होंगे तो सिक्स सिग्मा और टू क्या हो गया पाई हो गया तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया सिक्स सिग्मा और टू पाई बॉन्ड हो गया अब मैं क्वेश्चन देती हूँ आप उसको क्या करिएगा डिस्कस करिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछिएगा तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने हम लोगों ने अब तक क्या क्या सीख लिया हम लोगों ने अब तक सीखा है डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं दूसरा हमने सीखा है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कर ले डिग्री ऑफ कार्बन हमने देखा था कि जब कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच होता है वो उसकी डिग्री ऑफ कार्बन होती है अब हम जब सिग्मा और पाई बॉन्ड पे आए हैं तो देखें है कि कार्बन अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो सबके सब क्या होंगे आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे अगर आपको कहीं डबल बॉन्ड दिखता है तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है ऊपर वाला और नीचे वाला मतलब कि ऊपर और नीचे वाला क्या होता है पाई बॉन्ड होता है और जो बीच वाला होगा वो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड होगा तो इस तरह से हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड को आगे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन आपको आपने पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारे जैसे जब हम पढ़ते हैं केमिकल कंपाउंड वाला चैप्टर तो उसमें बहुत ही डीपली दिया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन को बट यहाँ पे हम थोड़ा बहुत जैसे कार्बन का जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर में जो है देगा कि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो आप एक बार हम लोग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं कैसे निकालते हैं कैसे चेक करते हैं यहाँ ये है। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि हमारा ये कार्बन है और अगर ये सिर्फ क्या कर सकता है अगर ये सिर्फ चार हाँ तो हम देखते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये हमारा कार्बन है और कार्बन जो क्या करता है अगर हम लोग को पता है कि ट्रावलेंस ही होता है हो, चार बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है अगर कार्बन सिंगल 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 मतलब चारों तुम्हारा क्या है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है सिंगल बॉन्ड का मतलब ये भी, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा मतलब ये फोर ऑर्बिटल्स का क्या कर रहा है यूज कर रहा है अगर कार्बन की कार्बन के पास सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं मतलब कि इसके पास फोर सिग्मा है अगर फोर सिग्मा है मतलब कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा एस पी थ्री हो जाएगा आपको बड़े आसानी से कुछ नहीं करना है बस देखना है अगर सबके सब क्या है सिंगल बॉन्ड है अगर कार्बन की चारों जो वैलेंसी है सबके सब सिंगल बॉन्ड से मतलब कंप्लीट है तो वो क्या हो जाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री हो जाएगा अगर आपको कहीं एक भी कहीं पे एक भी पाई बॉन्ड दिख जाए कहीं पे एक भी पाई बॉन्ड दिख जाए मतलब कि उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा sp2 होगा देखिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है एक पाई बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है अगर एक पाई बॉन्ड दिख गया मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया इस कार्बन का भी और इस कार्बन का भी तो अभी हम एक पाई और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई और एक सिग्मा इसके अलावा अब देखिए अब हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मतलब कि अगर कार्बन के पास सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है मतलब कि फोर सिग्मा मतलब की एसपी थ्री हो गया अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास कितने सिग्मा अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो सिंपल सा देख लीजिए इस कार्बन के पास आप सिंग आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए एक दो तीन मतलब कि तीन हमारे क्या है सिग्मा बॉन्ड है तीन सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर एक भी डबल बॉन्ड आपको दिख गया है तो एसपी अब यहां देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन अगर आपको अब डबल बॉन्ड दिख गया अगर आपको क्या होता है डबल बॉन्ड दिखता है मतलब ये वन टू थ्री ट्रिपल बॉन्ड है और क्या है टू पाई ट्रिपल बॉन्ड हाँ इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा इसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में तब तक आप बिल्कुल जितना हमने पढ़ाया आप उसको बिल्कुल प्रॉपरली रिवाइज करेंगे उस पर अटैच आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मतलब कि उससे आप रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे देखिए इसके क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे आप अभी ट्वेल्थ क्लास में होंगे है ना अभी ऑफकोर्स अभी आप लोग का बोर्ड भी है तो बड़े तो होगा ही बहुत ज़्यादा कि यार बोर्ड भी पढ़ना है इसका भी पढ़ना है नहीं नहीं टेंशन मत लो यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है ना सब कुछ आपका रिलेटेड है बोर्ड से मतलब आप जो बोर्ड में पढ़ पढ़ोगे ना मतलब हमें लगता है अब जहाँ तक मेरा अनुभव है कि अगर आप इलेवंथ अच्छे से नहीं पढ़े हो ना तो बहुत दिक्कत होगी आपको ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में भी क्योंकि जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं कि मैम ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक बता दीजिए इवन कि मैंने जे तक के बच्चों को देखा है कि वो परेशान होते हैं यार ऑर्गेनिक ही समझ में नहीं आती है मुझे ऑर्गेनिक तो ना समझ में आने का मेन रीज़न एक ही है हम जियो सी अच्छे से नहीं और जिन बच्चों की जियो सी बढ़िया हो गई आप यकीन करो वो बहुत अच्छा कर ले कर ले जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो अब अब अगर चलिए अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा एलेवन्थ में तो कोई बात नहीं हम यहाँ पे इतना बेसिक पढ़ लेंगे जीओसी का कि हम बहुत अच्छे से कवर अप कर सकें जितने भी हमारे क्वेश्चन आए तो हम जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसको प्रॉपरली पढ़िए समझिए और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डालिए सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कराए जाएंगे और इसके अलावा मन से पढ़िए और बोर्ड के लिए भी प्रॉपरली बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए हाल केन्थ है बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में तो अब कुछ है ही नहीं यार आधा तो पोर्सन ही निकाल दिया है बहुत ज़्यादा पोर्सन है नहीं बहुत छोटा जब हम लोग एग्ज़ाम दिया करते थे तो मतलब एलैंथ सब आता था एक साथ ही हम लोग को एग्ज़ाम देना होता था अभी तो काफ़ी आसान कर दिया आप लोगों को तो बिल्कुल मन से पढ़िए आराम से पढ़िए और केमिस्ट्री को बिल्कुल हवा मत बनाइए कि ऑर्गेनिक बिल्कुल मैंने देखा बहुत से बच्चों को देखा है कि यार ऑर्गेनिक तो समझ आएगा सब समझो बस लेक्चर को ध्यान से सुनिए जहाँ पे डाउट है आप क्लियरली पूछिए और डाउट क्लियर करिए अपने और बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और एन पढ़िए एन पढ़ते रहिए अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो भी सी पढ़िए सी बोर्ड के हैं तो आप एन पढ़ ही रहे हैं और आई एस बोर्ड के हैं तो भी एनसीआर पढ़िए आप क्योंकि एनसीआर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि एन एन बोर्ड तो ऐसे ही बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में देता है वो ठीक है बट आप अपनी बुक के अलावा आप एन को भी प्रीफर करिए हम लोग आपके साथ हैं हर चीज़ के लिए आपके साथ हैं कोई भी डाउट हो तो आप शेयर करिए तो और हम आपका क्या करेंगे पूरी तरीके से टारगेट जो हमारा गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आप लोग के साथ है बिल्कुल आप अपने डाउट्स क्लियर करिए और पूछिए तब तक के लिए नमस्ते बाय बाय